अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी की आवाज़ में, रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ में तिलावत कलाम का। अब आपको सुनाऊंगा मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की आवाज़ में। तरावी में कहीं पढ़ाई थी या फिर कहीं तिलावत थी तो मैंने यूट्यूब पर सुनी। माशाल्लाह सादा अंदाज, बहुत दर्द भरी आवाज़ थी, तो उस उनकी आवाज़ में जो है मैं आज सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. उन्होंने तकरीबन غالباً जो है उनका जुमा था या फिर तरावी थी, मुझे गुमान ऐसे लगता है कि जुमा होगा जिसमें आका इनामदार हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत आला जुमा में और पहली रकत में और दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़ते थे। तो मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहु आलिया ने पहली में सूरह आला पढ़ी और दूसरी में सूरत गाशिया पढ़ी। अल्लाह पाक हमें उलमा के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और उनके साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।